नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो यहाँ पर हम आ गए हैं आप सभी के लिए एक और नई वैकेंसीज की जानकारी लेकर मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो दोस्तों, जो आपकी वैकेंसी रहेगी वो मध्य प्रदेश के नापतौल विभाग के अंतर्गत रहेगी। श्रेणी जो रहेगी चतुर्थ कर्मचारी श्रेणी के अंतर्गत ये पद हैं। उसी की बात करें, आपकी जो कार्य की यानी कि जिम्मेदारी रहेगी वो आपका ऑफिस वर्क रहने वाला है। 15,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर आपको सैलरी रहेगी। फॉर्म ऑनलाइन रहेंगे। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं किस किस जिलों में ये वैकेंसीज निकाली गई है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। अब फॉर्म कैसे अप्लाई कर पाएंगे वो भी दोस्तों हम यहाँ पर पूरी जानकारी बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पीयून मैनुअल असिस्टेंट वॉचमैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में नापतौल विभाग में ये वैकेंसीज निकाली गई है। ये आप देख पाएंगे 10/11/2023 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपका दोस्तों जो इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपका 8वीं पास रहने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए आप अगर 8वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं जॉब की बात करें तो यहाँ पर आपका पोस्ट का नाम जो है पीयून है, मैनुअल असिस्टेंट है, वॉचमैन है। उसी के साथ साथ ये जो पोस्टें हैं नापतौल विभाग के अंतर्गत रहेंगी। क्वालिफिकेशन आपकी 8वीं पास रहेगी। मिनिमम एक्सपीरियंस आपको 1 साल का होना चाहिए। ऑफिस वर्क रहेगा। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं, अनस्किल्ड हैं आप, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों बात करें कि आपकी कितनी जिलों में और कितनी पोस्टें निकाली गई हैं, तो यहाँ पर करीब दोस्तों 27 जिले हैं जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग दे सकते हैं। वहीं पे दोस्तों आप देखिएगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो ज़िले हैं भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, इंदौर, अलीराजपुर, ग्वालियर, अशोकनगर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, छतरपुर, निवाड़ी, शहडोल, सिंगरौली, उमरिया, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, उज्जैन, शाजापुर, आगरा, देवास, नीमच, मंदसौर, उसके साथ साथ नर्मदापुरम और बैतूल, करीब दोस्तों ये 27 जिले हैं जहाँ पर आपको कार्य करने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सरकारी ऑफिस में दोस्तों ये पोस्टिंग की जाएगी, यानी कि ये जो वैकेंसी है आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये वैकेंसी है। कितनी पोस्टें हैं वो भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। आपका दोस्तों जो जॉब इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपकी इंडस्ट्री जो रहेगी वो गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर रहने वाली है। वर्क एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, वर्क एक्सपीरियंस आपका 0 से 1 साल, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अप्लाई कर पाएंगे। 10 से 15,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी इस पोस्ट में मिलने वाली है। वहीं पर बात करें दोस्तों तो जो आपकी पोस्टें निकाली गई हैं वो निकाली गई हैं नंबर ऑफ 44, यानी कि 44 पोस्टों पर 27 जिलों में दोस्तों ये वैकेंसीज निकाली गई है। चयन जो होगा वो आपका इंटरव्यू के माध्यम से होगा। और यहां पर दोस्तों आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे पूरी जानकारी यहां पर बताने वाले हैं। सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखेगा अप्लाई के लिए, आई एम इंटरेस्टेड। जैसे ही दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अपना ईमेल आईडी, आधार नंबर, लोकेशन यहाँ पर फिल करनी है। लोकेशन फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है कि जैसे दोस्तों आप अगर BSc हैं तो आप यहाँ पर BSc डॉट, अगर MSc हैं तो MSc, आप इस तरह से यहां पर फिल कर पाएंगे। आपके पास क्या क्या स्किल्ड हैं वो आप यहां पर लिख सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जैसे हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, या जो पोस्ट है उससे रिलेटेड वर्क है तो वो कर पाएंगे। उसी के साथ साथ यहां पर आप एक्सपीरियंस मांगा गया है तो यहां पर आपको दोस्तों सिंपली 1 कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अटैचमेंट का। अटैचमेंट दोस्तों आपको यहाँ पर ब्राउज पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको अपनी फाइल ओपन होगी, या यहाँ पर आपका बनाया हुआ रिज्यूम जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। रिज्यूम दोस्तों आपको अपलोड करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट एप्लीकेशन का, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, आपका यहाँ पर फॉर्म फिल हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें।